बाहर से आए वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस ने की कार्रवाई। अजमेर जिले के बाहर से आने वाले वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और चालान काटे गए। साथ ही मेडिकल टीम से बाहर से आए सभी लोगों का मेडिकल टेस्ट करवाया गया। चालान काटने के बाद गाड़ियों को पुनः रवाना किया गया। सूचना नहीं है, हमारे ट्रैफिक जो पॉइंट पे लगे हुए हैं कार्रवाई कर रहे हैं। बीच स्टेशन रोड कलकटा के सामने जो हमारा ट्रैफिक पॉइंट है वहाँ भी एक फोर व्हीलर है और टू व्हीलर है जो भीलवाड़ा के, उनको रोका गया है और उनका एमवी एक्ट के तहत चालान बनाया गया और मेडिकल टीम को बुला करके उनकी जाँच की जा रही है कि उनके नेगेटिव आया जा रहा है, पॉजिटिव है। मेडिकल विभाग जो कार्रवाई कर रहा है उसकी कार्रवाई चालू है और हमने इनके एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई करके और इनका चालान किया है। वो यही लोग बता सकते हैं कि ये किस तरह से आए, लेकिन अपने यहाँ आए तो अपन ने इनको रोक करके इनकी कार्रवाई है जो लीगली है वो कर रहे हैं। मेडिकल टीम बिल्कुल है, खड़ी है क्लॉकटा के सामने जो इनकी जांच वगैरह कर रही है। अब इनमें क्या रिजल्ट आया है वही लोग बता पाए। मेडिकल टीम ने तो पूर्ण तरीके से मना कर दिया, एंट्री नहीं है। हाँ तो वो उनका नहीं, किस चीज़ की ये इनकी में ना एंट्री नहीं है तो इसीलिए चालान करके वापस इनको रिटर्न किया जा रहा है। यस मैम, क्या सूचना मिली थी आपको, कौन लोग? मुझे क्लॉकटा पर समय से सूचना मिली कि दो जो है, एक दो लोग जो है, एक हस्बैंड वाइफ जो है वो भीलवाड़ा से आए हैं, तो आप उनका आके चेकअप करो कि हमको एंट्रेंस देनी कि नहीं देनी है। ये जो है योगेश है और इनकी पत्नी का नाम शिल्पा है, ये दोनों जो अजमेर में इनका ट्रीटमेंट चल रहा है परिवार फर्टिलिटी पे, लेकिन क्योंकि भीलवाड़ा के लोगों को परमिशन नहीं दे सकते हैं तो हमारे चिकित्सा विभाग से तो इनको एंट्रेंस नहीं दी गई है। बाकी जो है कलेक्टर साहब इसका डिसीजन लें कि इसको क्या करना है। एक और व्यक्ति है, नैना लाल जी हैं, ये भीलवाड़ा में रहते हैं, ये कह रहा है कि 6 महीने से अजमेर में रुका हुआ है। अब जिसके ये काम कर रहा था ओम जी गोटा वाला, उनसे अपन सूचना ले रहे हैं कि ये वास्तव में ही 6 महीने से अजमेर है क्या और ये भीलवाड़ा जाना चाहता है। मैडम ये इन्होंने क्या बताया, किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए आए हैं ये? इनफर्टिलिटी का बच्चा नहीं है इनके, तो आज एम्ब्रियो ट्रांसफर है इनका, तो इनको एंट्री दे देंगे। भाई कैसे लोगों की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, इतनी आपको कंडीशन पता है, अगर हम ही नहीं लेंगे प्रोटेक्शन तो फिर कौन लेगा ये काम? तो ये इमरजेंसी नहीं है, देखिए ये इमरजेंसी नहीं है, इट्स नॉट इमरजेंसी, अगले महीने भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, खुद की जान से बड़ा कुछ नहीं होता है। मेरी हमारी तरफ से नहीं है, ठीक है। मैं डॉक्टर पुष्प प्रतापगढ़ कस्तूरबा हॉस्पिटल।